क्लास सिक्स आपकी पोएम में भी ये डू ऑल द टीचर्स को, इनकी सभी टीचर्स होते हैं वो शाम को कहाँ जाते हैं? फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल, कहते हैं एक छोटे बच्चे के लिए एक टीचर होता है वो स्पेशल होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक छोटे बच्चे के लिए अपने जो टीचर होता है उसको एक साधारण आदमी समझना मुश्किल होता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कहता है कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? व्हेन इट फोर ओ क्लॉक, कहते हैं जब 4 बज जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, जो क्या वो घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी जुराबे धोते हैं? डू दे वियर पजामास, क्या वो पजामास पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वो टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपने नाक साफ करते हैं? एंड दे सेम एज यू एंड मी, मेरी तरह और आपकी तरह। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स, क्या उनके माता पिता हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड, क्या वो कभी बुरे थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वो कभी कभी स्पेलिंग गलत लिखते थे या सही नहीं लिखते थे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वो कभी गलतियाँ करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या वो उनको एक कोने में सजा दी जाती थी? इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या वो चॉकलेट फ्लेक्स वगैरह गिरा देते थे कहीं? डिड दे एवर लोज देयर हिम बुक्स, क्या वो अपनी धार्मिक किताबें खो देते थे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वो अपनी सब्जियां छोड़ देते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप, क्या वो डेस्क टॉप को गंदा कर देते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो अपनी पुरानी गंदी जीन्स पहने रखते थे? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, एक दिन मैं किसी का घर जाते हुए पीछा करूँगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, मैं पता लगाऊँगा वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, फिर मैं उसको एक कविता में रखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, वो कभी आपको पढ़कर सुनाएंगे। पीटर डिक्सन की लिखी हुई पोएम।